गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं माधुरी एंड आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, वो है आप लोग का ये थीसिस का पूरा प्रोसेस। ठीक है, हॉल प्रोसेस आज की वीडियो में वो डिस्कस करूंगी, कोई भी प्रोसेस नहीं छूटेगा यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम होने के बाद से जो बाकी प्रोसेस है ना उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन हो रही थी, तो उसी चीज को मैं देखते हुए आज ये वीडियो क्रिएट की हूँ जहाँ पर मैं सारी चीजें कवर करने वाली हूँ ताकि आपको इसके बाद कोई और वीडियो ना देखना पड़े। ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जाम से लेकर और आपके ज्वाइनिंग तक की जितनी प्रोसेस होती है सारी चीजें बताने वाली हूँ, तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। एंड छोटी सी रिक्वेस्ट है, बीच में स्किप मत कीजिएगा, अगर आप स्किप करोगे तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें करना क्या है आगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट वीडियो देखिएगा। एंड ये मैं अपने भाई का ही जो भी चीजें बताने वाली उसकी बताने वाली, क्योंकि मेरा भाई सिलेक्ट हुआ था 4 कंपनीज में बट उसने फाइनल किया है TCS, तो TCS के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले। ठीक है, मेरे भाई का जो एग्जाम हुआ था 14 नवंबर को एग्जाम हुआ था, 23 को हुआ था उनका टेक्निकल राउंड, और जो HR राउंड हुआ था वो हुआ था 24 को। आफ्टर HR राउंड उसका 26 को, यानी कि 24 को HR राउंड हुआ, 26 को उसका आ गया था ऑफर लेटर। ऑफर लेटर मिलने के बाद से 1 दिसंबर को मिला था उसका ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, उसके बाद से उसका जो 1 दिसंबर को ज्वाइनिंग लेटर आया एंड 4 दिसंबर को सारी प्रोसेस बताई गई कि आपको कैसे कैसे और क्या क्या अपलोड करना है, कहाँ कहाँ अपलोड करना है। ठीक है, ये सारी चीजें बताई गई थी, तो उसके लिए एक वीडियो हुआ था जो कि 3 आवर्स की वो वीडियो थी, वो लेक्चर था एक तरह से कह सकते हो, कुछ भी कहो बट वो था एक, ठीक है, सेशन था एक तरह से। तो ये सारी चीजें प्रोसेस थी, तो वही सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ताकि आप लोग भी अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको ना हो, जो प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा वो फेस आपको ना करना पड़े। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में सारी चीजें कवर करने वाले और मुझे प्रॉब्लम क्या फेस हुआ था वो भी मैं बताने वाली। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप था आप लोग को लॉगिन करना, जो कि TCS नेक्स्ट स्टेप पर लॉगिन करना था। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अदरवाइज आप डायरेक्ट गूगल पर जाके TCS नेक्स्ट स्टेप जब सर्च करेंगे तो जो 1st नंबर पे आएगा उस पर क्लिक करिएगा तो आपको ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप कॉर्नर पे देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है आपका लॉगिन। ठीक है, आपको सिंपल इस लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जहां पे आपको अपना रजिस्टर आईडी, यानी कि जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, रजिस्ट्रेशन आईडी आपका या तो CT से स्टार्ट होगा या फिर आपका DT से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो CT और DT दोनों से किसी से भी स्टार्ट हो सकता है, आप अपना देख लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी डालने के बाद से आपको यहाँ पर डालना है पासवर्ड, और पासवर्ड डालने के बाद से आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। आप यहां देख सकते हैं यहां पर लॉगिन का बटन है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जो कि अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो कॉर्नर में एप्लीकेशन फॉर्म PDF, ऑफर लेटर, कैंपस, ट्रैक माय एप्लीकेशन, आपके एप्लीकेशन में क्या क्या चाहिए, आपकी जो भी फॉर्म भरी है उसमें आगे क्या क्या स्टेप हो रहा है वो आप यहाँ चेक कर सकते हो। ILP कॉर्नर, हाउ टू अप्लाई, बैकग्राउंड, सर्टिफिकेशन एंड ऑनबोर्डिंग। ठीक है, इतनी सारी ऑप्शन है इसमें, जो आपको इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपका लिखा रहता है आपका जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी वो यहाँ पर लिखा रहता है। ठीक, इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आओगे ऑफर लेटर। सबसे पहले आपको ऑफर लेटर ही डाउनलोड करना होता है क्योंकि सबसे पहले आपका आता है ऑफर लेटर। ऑफर लेटर जैसे कि मेरे भाई को कब आया था, इनका ऑफर लेटर आया था 26 को। ठीक है, 26 को इनका ऑफर लेटर आया था। तो फिलहाल आप अपना देख लो, ऑफर लेटर जब आपका आएगा तो यहाँ पर एक तरफ ये रहेगा डाउनलोड करने के लिए, ये यहाँ पे था, और यहाँ पे आपको एक और था जहां से आपको ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करना था। विदाउट एक्सेप्ट किए आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहला एक्स था कि आपको इसे एक्सेप्ट करना था। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो एक चेक बॉक्स करके आता है, उस चेक बॉक्स को क्लिक करके और एक्सेप्ट पे आपको क्लिक कर देना, तो ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपको एक ही बटन दिखेगा जो कि डाउनलोड ऑफर लेटर, आपको इस पर क्लिक करके आपको अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करना है। यहाँ से आप लोग अपना ऑफर लेटर डाउनलोड कर लोगे। आई होप आपको यहाँ तक का स्टेप क्लियर हो गया होगा कि आपको डाउनलोड करना है कैसे। ठीक है, मेरे भाई को आया था तो इसका तो यहाँ तक का स्टेप हो गया था, इसके आगे क्या करना था मुझे भी नहीं आइडिया था, और कुछ बच्चों का हुआ था, फिर मैं उन लोग से कॉन्टेक्ट की तो उन्होंने बताया जो भी स्टेप बताया। बट तो आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, सही चीज मैं यहाँ बताने वाली हूँ कि आपको करना क्या। ठीक है, ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद
आपको इस टाइप का आएगा। देखिए यहाँ पे आपको ऑफ लेटर जो कि 26 को हुआ था ईशू, और 26 को ही ये एक्सेप्ट भी हो गया था। उसके बाद से यहाँ एलिजिबल के बारे में दिया गया था, शेड्यूल हुआ था आपका फर्स्ट दिसंबर को ये हो गया था इनका, आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया था। ठीक है, तो ये ज्वाइनिंग लेटर फर्स्ट तारीख को ही आ गया था, 1 दिसंबर को, और उसी दिन भाई ने एक्सेप्ट भी कर लिया था ऑफ लेटर को, ये एक्सेप्ट भी हो गया था। सारी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी, जनरेट हुआ, एक्सेप्ट हुआ, सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी। ये तो आपका इस तरह से प्रोसेस दिखाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट आते हैं आपका ज्वाइनिंग लेटर। आपको ज्वाइनिंग लेटर कहाँ से मिलेगा? ज्वाइनिंग लेटर का मेल आ गया है, लेकिन मेल पे कुछ नहीं रहता है। आप उसे डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड नहीं होगा विदाउट उसे एक्सेप्ट किए। तो सबसे पहले जिस तरह से आपको ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना पड़ा था, उसी तरह से आपको ज्वाइनिंग लेटर भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये ILP कॉर्नर दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक जब करेंगे तो जब आपको ऑफर लेटर मिलेगा ना, तो उस समय इस कॉर्नर पे सिर्फ ये वाला पॉइंट शो होता है। देखिए जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तो आपको ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे शो होंगे। ठीक है, तो आपको लेना है ज्वाइनिंग लेटर, तो इस पर क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पर जाना है, ज्वाइनिंग लेटर पर क्लिक करना है। ज्वाइनिंग लेटर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ से जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज हैं इन्हें आपको एक्सेप्ट करना होता है, और फिर इसके बाद से यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना होता है। तो ये था स्टेप डाउनलोड करने का, और यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे अपना। ठीक है, इसके बाद से आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका कि सर्विस एग्रीमेंट। यहाँ पर सर्विस एग्रीमेंट की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वो आपको कहाँ से मिलेगा? आप यहाँ जब ILP पे जाओगे, ILP कॉर्नर पे, तो उसके बाद से फर्स्ट डे एट TCS इस बटन जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे, और यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं। आपको क्या करना है, इन्हें डाउनलोड कर लेना है, और इनका क्या करना है वो मैं अभी आगे बताऊंगी। सर्विस एग्रीमेंट का भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं, 100 रुपीज के स्टैम्प पे आपको यहाँ पर सर्विस एग्रीमेंट का जो मटेरियल लिखा हुआ है उसी मटेरियल को उस पर लिख के, और ये आपको नोटरी बनवानी है। ठीक है, एक स्टैम्प पेपर बनवाना है आपको, जो कि 100 रुपीज का होना चाहिए। 100 रुपीज का ही होगा, अगर आपके वहाँ पर जहाँ पर भी आप जाते हो अगर वहाँ 100 रुपीज का नहीं है, 50 रुपीज का, तो 50-50 रुपीज का आप दो लोग है। ठीक है, अगर वहाँ पर 50-50 रुपीज का भी नहीं है, 10-10 रुपीज का है, तो अब आप उस केस में 10-10 रुपीज का टोटल आप 10 लोग हैं, 10 ठीक लोग हैं, और 10 को काउंट करने के बाद प्लस करने के बाद टोटल 100 रुपीज हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है, लेकिन 100 होना चाहिए, 100 रुपीज की स्टैंप होनी चाहिए, चाहे आप 10-10 का लेकर 100 बनाओ, या 50-50 का लेके बनाओ, या फिर डायरेक्ट 100 का ही ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट स्टैम्प पेपर 100 का ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी आपकी सर्विस एग्रीमेंट है आप यहाँ से डाउनलोड करोगे। मेडिकल के लिए है, आपका यहाँ डिटेल्स दिए हैं सर्विस एग्रीमेंट के लिए, आप इनसे यहाँ पे डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से सर्विस एग्रीमेंट का काम हो जाएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे क्या करना है, ये NSR ये इम्पॉर्टेंट है, इससे आपको अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, और यहाँ पर टोटल आपको 475 रुपीज लगेंगी। ठीक है, यहाँ पर इतना रुपीज आपको लगने वाला है जब आप इसे क्रिएट करोगे, और क्रिएट करने के बाद आपको 12 डिजिट का नंबर मिलेगा, पिन मिलेगा, उस पिन को आपको यहाँ पर डाल के और इस सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, ये आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये यहाँ पर तो हमने सिर्फ पिन डाला ना, अभी इसके आगे काम आपको है, यहाँ पे आपको एक कार्ड जनरेट होके आएगा। जब आप यहाँ पर कर लोगे रजिस्ट्रेशन कर लोगे, तो रजिस्ट्रेशन करने के 1-2 डेज बाद आपको ये कार्ड भी मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आपको उसी साइट पे जाके वहां से कार्ड आप डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने में अगर प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि आपको ये डाउनलोड करना कहाँ से है। फिलहाल आप देख लीजिए, अगर आपको मिल जाता तो अच्छी बात है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। अब ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे होगा, आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ लिखा है बैकग्राउंड चेक, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। बैकग्राउंड चेक पे जब आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप इनिशिएट फिल करना है, यहाँ पे जो भी चीज़ है आपके पास वो सारी चीज़ें यहाँ पर फिल करोगे, फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करोगे, और यहाँ से आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो टोटल ये आपका स्टेप है जो कि इस तरह से होगा, और आपको इन सबको फिल करना पड़ेगा। पहले आप नहीं करोगे, आपको ऑफर लेटर मिलने के बाद, आपको कुछ दिन बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। वेट कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, मिल जाएगा आपको। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद आपको वहाँ पर सारी चीज़ें लिखी रहेंगी कि आपको कैसे क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है,
तब जाकर आप यहाँ पर अपलोड कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एक बार इसे सबमिट कर दोगे तो आप इसे एडिट नहीं कर सकते हो, इसलिए इसे सबमिट करिएगा तो संभल के कीजिएगा, बिल्कुल भी गलती मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एडिट का चांस नहीं है, ठीक है। एक बार सबमिट कर दिया तो वो गया, ठीक है। तो ये आपका ये वाला स्टेप है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का। नेक्स्ट आते हैं कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपको लगेगा क्या क्या। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपको लगने वाला है 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट। अगर 12th के बाद अगर किसी ने डिप्लोमा किया है 12th ना करके, तो अपना 12th ये डिप्लोमा का जो मार्कशीट है वो डालेगा। ग्रेजुएशन की मार्कशीट में आपको मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, बहुत लोग पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता, तो उस केस में वो लोग बर्थ एफिडेविट डालेंगे, उसका भी फॉर्मेट वहाँ दिया रहता है, ठीक है। एफिडेविट का फॉर्मेट नहीं दिया है, बर्थ एफिडेविट का नहीं दिया हुआ हमारा, ठीक है। ये आप अपने जहाँ से भी स्टैम्प पेपर बनवाओगे वहाँ पे जाके आपको ये करना पड़ेगा। और इसकी भी स्टैम्प पेपर जो होगी वो 100 रुपीज़ की ही होगी, ठीक है, 100 रुपीज़ से कम का नहीं होगा। उसके बाद आपको पेन कार्ड, अगर आपके पास पेन कार्ड नहीं है तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद से आपको जस्ट आधे घंटे के अंदर आपको पेन कार्ड आपके हाथ में होगा, और हार्ड कॉपी जो है आप वहाँ पर ऑर्डर करोगे तो वो आपको आ जाएगा। उसको आने में 10 से 15 दिन लगेंगे, बट सॉफ्ट कॉपी आपके पास आ जाएगा जो कि आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद से आपका आधार कार्ड, उसके बाद से आपका पासपोर्ट, पासपोर्ट नहीं होगा आई एम श्योर, उसके लिए आप क्या करोगे, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करोगे, 2000-1500 रुपये लगते हैं अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करोगे जब आप, तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगा जहाँ पे आपका वो रहेगा कि क्या कह रहे हैं, सर्विस एग्रीमेंट नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर, ओके, अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा वो, जहाँ पे आपको जाना रहेगा उस दिन जाके अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर वेरिफिकेशन करवाना होता है, ठीक है। तो जो आपका रिसिप्ट बन के आएगा, जो अपॉइंटमेंट लेटर का रिसिप्ट बन के आएगा, आपको उसी रिसिप्ट को यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप उसे अपलोड कर दीजिए, नहीं है तो आप उस रिसिप्ट को यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद से एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक या फिर राशन कार्ड, कुछ भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। उसके बाद से अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, बहुत बच्चों के पास एक्सपीरियंस होता है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस लेटर भी अपलोड करोगे, नहीं है तो इस जरूरी नहीं है, आप इसे स्किप कर दोगे, ठीक है। इतनी चीज़ों तो आपको अपलोड करनी है। साथ में आपको नॉन क्रिमिनल का जो कि 100 रुपीज़ की स्टैम्प पे बनेगा, मेडिकल जो कि आपको वो फॉर्म दिए रहेगा, उस फॉर्म को फिल करके यहाँ पर अपलोड करना है। मेडिकल में एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिस डॉक्टर के वहाँ सिग्नेचर साइन होगा वो MBBS किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ और किया है तो नहीं हो सकता है, बट MBBS कंपल्सरी है यहाँ पे, तो आप देखिएगा मेडिकल सर्टिफिकेट पर MBBS के ही सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये NSRER कार्ड, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। वो जो कार्ड बन के आएगा PDF फॉर्म में, उसी कार्ड को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, उसमें आपको टोटल इतनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी जब आप वहाँ पे अप्लाई करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चीज़ें आप वहाँ पर फिल करोगे, तो इतनी सही चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तभी वहाँ पर आप इजिली सभी चीज़ें फिल कर पाओगे। फिल करने के बाद आपको वेट करना होगा, क्योंकि वो रहता है शुरुआत में पेंडिंग, वहाँ से अभी अप्रूव नहीं हुआ रहता, तो अप्रूवल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है आपका ऑनबोर्डिंग, आप यहाँ पे देख सकते हो ऑनबोर्डिंग शो कर रहा है। अब ये क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। ऑनबोर्डिंग भी आपको फिल करना पड़ेगा। ऑनबोर्डिंग में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड, यहाँ पे आपको ये दिया हुआ, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ये सारी चीज़ें आपको फिल करना है। इन पर क्लिक करके आप फिल करोगे, इनके फॉर्म भी आपको लेना पड़ेगा, और यहाँ पर ये जो फॉर्म होंगे उन्हें आपको अपलोड कहाँ करना है वो भी मैं बताती हूँ, ठीक है। तो लेकिन ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको पर्सनल, आप नॉमिनेशन किसको रखना चाहते हो, 100% देना चाहते हो कि 50% देना चाहते हो, उनका एड्रेस क्या, परमानेंट एड्रेस ये कि नहीं है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, बस इतनी फिल करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन सब में यही चीज़ें फिल करनी है। फिल करने के बाद लास्ट में जब आप फिल करोगे तो यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन देगा, सबमिट करोगे, सबमिट करके प्रिंट पर क्लिक करके उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद उस फॉर्म को करना है सिग्नेचर, और सिग्नेचर करने के बाद से आपको उसे अपलोड कहाँ करना है वो मैं भी बताती हूँ। यहाँ पे आप नीचे आ सकते हो, यहाँ देख सकते हो डाउनलोड करने का ऑप्शन, ठीक है। पहला ये था जिसको सबमिट किया गया, सबमिट करने के बाद इस तरह से डाउनलोड टू PDF, PDF फॉर्म में आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर वहीं से डायरेक्ट कर सकते हो। लास्ट में कॉर्नर में प्रिंट दिया जाता है, वहाँ से कर लो डाउनलोड, या फिर आप यहाँ से डाउनलोड कर लो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। टोटल इतनी चीज़ें जहाँ पे आपकी ज़रूरत की सिर्फ 3 चीज़ें हैं, तो आपको इन्हें करना है डाउनलोड। और ये डाउनलोड करने के बाद से डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी जो भी हो, जैसे कि मान लिया आपका 15 दिसंबर आपका जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ठीक है,
अगर 15 दिसंबर आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है तो आपको 12 टू 30 दिसंबर को आपको आयोन पोर्टल पे, यानी कि TCS आयोन पोर्टल, इस पे क्या होगा, आपको शो करेगा एक फॉर्म जहाँ पे आपको ये सारी चीजें अपलोड करनी पड़ेंगी। इन सभी PDF को आपको क्या करना है, सिग्नेचर करना है, और जो आपकी ज्वाइनिंग ऑफर लेटर होगा उसे भी उसके हर एक पेज पर नीचे कॉर्नर में, जैसे कि ये आपका मान लिया ऑफर लेटर है, तो ऑफर लेटर के इस कॉर्नर में आपको हर एक पेज पे सिग्नेचर करना है। कोई भी चीज आपको डिजिटली अपलोड नहीं करना, ऐसी गलती मत करना कि आप सिग्नेचर फोटो क्लिक करके रखे हो और सभी पेजों पे अपलोड कर दो, ऐसा मत करना। आपको सभी के प्रिंटआउट लेने हैं, प्रिंटआउट लेके हाथ से सिग्नेचर करने हैं, और आफ्टर सिग्नेचर उनको PDF बना के और उसे इस साइट पे, यानी TCS आयोन पे अपलोड करना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, कहीं भी आप डिजिटली मत करना, सारी चीजें हाथ से करनी है। और हम ये जो भी चीजें होंगी, सर्विस एग्रीमेंट हो गया, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हो ये नॉन क्रिमिनल के लिए है, मेडिकल के लिए है, ये है, ये तो आपको वहां से प्रिंट होके आएगा। बट हाँ, इसकी जो डिटेल्स यहाँ फिल करनी होगी उसे आप अपने हाथ से फिल करोगे। फॉर्म तो आपको वहां से भरेगा वो लोग, जो क्या कहते हैं, जो कोर्ट वाले कचहरी वाले होते हैं वो लोग, तो वो बाकी चीजें वहां फिल करेंगे। बट जो चीजें खाली जगह जहाँ पे स्पेस रहेगा वहां पे आपको अपने हाथ से डिटेल्स फिल करनी है, और पहले से वो क्या कहते हैं, टाइप अप कुछ मत करवाइएगा, हाथ से आपको फिल करना है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखिएगा, कोई भी चीज ऐसे मत कीजिएगा कि आप डिजिटली कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, सब हर जगह आपका हाथ का लिखा हुआ होना चाहिए। तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं नेक्स्ट प्रोसेस TCS आयोन पे कैसे अपलोड करना है, प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी कि वहां पर भी कैसे अपलोड करते हैं। फिलहाल तो यहाँ तक के सारे स्टेप्स इतने ही हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी बाहर का नहीं है, जितना भी मांगा जाए सब चीजें वही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अगर कोई डाउट रह जाता तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नीचे आपके लिए कमेंट बॉक्स है ही, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, इंस्टा भी है, फेसबुक भी है, टेलीग्राम भी है, जहाँ से आप चाहो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई डाउट रह जाता है तो। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।